A very good evening to all. I myself Rohit, and today we discuss about the MCQ. And in this series of MCQ, we discuss about 30 MCQ from Animal Kingdom. And in this video, my student name Sana and Diksha helped me to making this video. So start with the first question. Organ system level of organization is seen in organ system level कौन से जो organization है वो कौन सी आपकी फाइला के अंदर देखने को मिलती है. बेटा देखो, स्पॉन्जिस के अंदर बेसिकली सेल लेवल सिस्टम होता है, ठीक है ना. नाइडेरिया के अंदर टिश्यू लेवल सिस्टम होता है. आंसर जाता है एनिलिडा, ठीक है ना. आंसर जाता है सी ऑप्शन थर्ड. नेक्स्ट आता है क्लोइका ऑफ राना रिसीव. क्लोइका जो है बेटा वो क्या रिसीव करता है, एलिमेंट्री कैनाल को रिसीव करता है, ठीक है. ठीक है, आपका एलिमेंट्री कैनाल है वो वहां पे खत्म होती है, ठीक है ना. उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टर कॉमन टू ऑल कोडेट्स. ऑल कोडेट्स के अंदर बेटा कौन सा कैरेक्टर कॉमन नहीं है. ऑल कोडेट्स के अंदर बेटा हेयर प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना. गिल स्लिट्स भी होते हैं, नोटोकोड भी होता है, डोर्सल होलो नर्व कोड भी होती है. उसके बाद वाटर वास्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन वाटर वास्कुलर सिस्टम बेटा किसके अंदर देखने को मिलता है. आप लोगों ने पढ़ा होगा ये इकाइनोडर्मेटा के अंदर. इकाइनोडर्मेटा का एग्जांपल क्या आता है, इकाइनोडर्मेटा का एग्जांपल आता है सर सी अर्चिन. क्या आता है, सी अर्चिन, ठीक है ना. क्या आता है, सी अर्चिन, ठीक है. अगर मैं बात करूं सी एनिमोन आपका, सी एनिमोन, सी माउस, सी पैन, सी हॉर्स, ठीक है ना. तो ये सब आपके कौन से फाइला से बिलोंग करते हैं बेटा, कौन से फाइला से बिलोंग करते हैं, ये हमारे करते हैं सर किससे, टीनोफोरा से, ठीक है ना. कौन से करते हैं, टीनोफोरा से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ठीक है. टीनोफोरा से नहीं नाइडेरिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना. सी एनिमोन, सी पैन, सी हॉर्स, ये सब आपके कौन से उससे बिलोंग करते हैं, नाइडेरिया से, ठीक है. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फाइलम एग्जिबिट सेगमेंटेशन. सेगमेंटेशन जो है वो किसके अंदर देखने को मिलती है. आपने मक्खी वगैरह के अंदर सेगमेंटेशन देखी है, देखिए सर, ठीक है ना. तो किस किस के अंदर, एनिलिडा के अंदर और आर्थ्रोपोडा के अंदर जो है सेगमेंटेशन देखने को मिलती है. आपने, मैंने लीच बताई थी, लीच किसका एग्जांपल है, एनिलिडा का एग्जांपल है. आर्थ्रोपोडा के अंदर आपको जितनी भी ये बटरफ्लाई और इनके अंदर हमें सेगमेंटेशन देखने को मिलती है. नेक्स्ट आता है विच एनिमल आर नोन फॉर सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. सेलुलर लेवल सबसे प्रिमिटिव टाइप की ऑर्गेनाइजेशन तो किसके अंदर देखने को मिलती है, स्पॉन्जिस के अंदर देखने को मिलती है. नेक्स्ट इज प्लेटीहेल्मिंथस जो है बेटा, प्लेटीहेल्मिंथस के बाद आया था एस्केहेल्मिंथस की एक कैरेक्टरिस्टिक थी, वो क्या थी कि उनके अंदर स्यूडोसिलोम जो है वो स्टार्ट हो गई थी. तो उससे पहले कौन था, प्लेटीहेल्मिंथस के पास कौन सी रहेगी, एसके ए सिलोमेट रहेगी, क्योंकि एस्केहेल्मिंथस के पास आई थी ना स्यूडोसिलोमेट. तो उससे पहले सबके पास क्या थी, ए सिलोमेट कंडीशन थी. तो आंसर क्या जाएगा, ए सिलोमेट. नेक्स्ट इज सिलोम इज लाइन बाय. सिलोम जो है वो किससे लाइन होती है, ठीक है ना. सिलोम जो है वो लाइन किससे की जाती है, तो की जाती है बेटा किससे, मीजोडर्म से, ठीक है ना. किससे, मीजोडर्म से. ऊपरली एक्टोडर्म, नीचे सबसे एंडोडर्म और बीच में मीजोडर्म. ये जो है यहाँ पे क्या बनाती है आपकी, कई तरीके की सिलोम को जो है लाइन करती है. नेक्स्ट इज लीच सीक्रेट डैश एज एन एंटी कोएगुलेंट एजेंट. क्या चीज रिलीज करती है लीच, लीच बेटा रिलीज करती है हिरुडिन. क्या रिलीज करती है, हिरुडिन. बेलेंग्लोसस इज ए नॉन कोर्डेट. पहले इसको हम कोर्डेट की कैटेगरी में पढ़ते थे, लेकिन अब इसको किस में रखा गया है, नॉन कोर्डेट की कैटेगरी में रखा गया है. कोंड्रोथाइस कैन बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम ऑस्टियोथाइस एक्सटर्नली बाय. एक
जिनके पास बोन, एक वो फिश जिसके पास बोन बोन फिश बोला जाता है, ओस्टियोथीस, और एक कोन्ड्रोथीस जिनके जिनको हम क्या बोलते हैं, कार्टिलेजिनस फिश बोलते हैं। इनको अगर मैं बात करूं तो इनके पास क्या नहीं होता, ओस्टियोथीस जो है बेटा, जो कोन्ड्रोथीस है, जो कार्टिलेज फिश है, उनका वेंट्रल माउथ होता है, ओस्टियोथीस का नहीं होता, ठीक ना। इनके पास होट्रोसिल टेल प्रेजेंट होती है कार्टिलेजन फिश के पास, इनके पास नहीं होती बोनी फिश के पास। नेक गिल प्रेजेंट होते हैं कार्टिलेजिनस फिश के पास, इनके ऊपर ओपरक्यूलम प्रेजेंट नहीं होता, बोनी फिश के ऊपर जो है ओपरक्यूलम जो है प्रेजेंट होता है गिल्स के ऊपर। तो बेटा ऑल ऑफ दी अबो। नेक्स्ट इज टीनोफोरा डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम नाइडीरिया इन हैविंग, जो टीनोफोरा है उसके पास हमने क्या कैरेक्टरिस्टिक देखी थी कि टीनोफोरा के ऊपर क्या थी, हमने देखा था कि उनके ऊपर सीलेटेड कॉम्ब लाइक प्लेट्स थी, इस तरीके से कॉम्ब लाइक जो है वो प्लेट प्रेजेंट थी किसके ऊपर, टीनोफोरा के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट इज वाटर सर्कुलेशन इन स्पॉन्जिस डज नॉट हेल्प इन, वाटर सर्कुलेशन बेटा स्पॉन्जिस के अंदर हमने देखा था बढ़िया वाटर सर्कुलेशन, लोकोमोशन में भी हेल्प कर रहा था, फूड गैदरिंग में भी, रिमूवल ऑफ वेस्ट में भी, लेकिन रेस्पिरेशन में हेल्प नहीं कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट इज मेमोरी ग्लैंड आर मॉडिफाइड, मेमोरी ग्लैंड जो है बेटा वो स्वेट ग्लैंड से मॉडिफाइड हुए हैं, आंसर जाएगा बेटा थ्री, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ रेस्पिरेशन इन एन एडल्ट फ्रॉग, एडल्ट फ्रॉग के अंदर जो है रेस्पिरेशन किससे देखने को मिलता है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी देखने को मिलता है, अभी पढ़ा है, स्किन के थ्रू भी जिसको मैं क्या बोलता हूँ क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, और बक्कल फेरेंजियल रेस्पिरेशन भी हमें देखने को मिलता है। तो आंसर जाएगा बेटा ऑल ऑफ दी अबो। कार्टिलेजिनस फिश डू नॉट हैव, कार्टिलेजिनस फिश के पास बेटा क्या नहीं होता, कार्टिलेजिनस फिश जो है वो हमेशा तैरती रहती है, उनके पास एयर ब्लैडर नहीं होता। कार्टिलेजिनस जो फिश होती है बेटा उनका जो गिल्स होते हैं वो कवर नहीं होते, उनके ऊपर ओपरक्यूलम प्रेजेंट नहीं होता, तो बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट इज वर्टिब्रल कोलम इज डिराइव फ्रॉम, वर्टिब्रल कोलम बेटा कहाँ से आया, आपका न्यूरल ट्यूब से आया है, सॉरी नोटोकॉर्ड से आया है, ठीक है ना, सॉरी वर्टिब्रल नोटोकॉर्ड है बेटा, वो ही आगे जाके क्या बनाती है, वर्टिब्रल कोलम जो है बनाती है। नेक्स्ट इज हार्ट इज थ्री चैम्बर्ड इन, हार्ट इज थ्री चैम्बर्ड इन, हार्ट जो है थ्री चैम्बर्ड किसके अंदर देखने को मिलता है, इक्टियोफिश जो कि अभी हमें एम्फीबियंस टाइप है इसके अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज द एनिमल विच आर एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक ससाइल विद सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, भाई सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो ना एक ही बंदा रखता है, कौन, स्पॉन्जिस, उसको क्या बोलते हैं, पोरीफेरा, ठीक है ना। नेक्स्ट इज द फाइलम नाइडीरिया गेट इट्स नेम बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, नाइडीरिया जो है बेटा उसको ये नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट होती है, स्टिंग सेल प्रेजेंट होती है, स्टिंग सेल्स प्रेजेंट होती है, और ये जो स्टिंग सेल्स होती है इनको हम क्या बोलते हैं, कोइडियोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है ना। पैरापोडिया आर सीन इन, पैरापोडिया, पैरापोडिया आर सीन इन, पैरापोडिया बेटा किसके अंदर देखने को मिलती है, नेरिस के अंदर देखने को मिलती है, लीच के अंदर देखने को नहीं मिलती, हिरुडेरिया के अंदर जो है लीच बोला जाता है इसको, इसके अंदर नहीं मिलती, तो नेरिस आएगा एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट इज पैरापोडिया का मतलब होता है बेटा आपके काफी सारे फुट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैमल्स, इनके अंदर मैमल्स कौन कौन से है, मैमल्स बेटा बी और सी, ठीक है ना, शार्क जो है वो मैमल कैटेगरी में नहीं है, नहीं आती, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन, इनमें से कौन सा फाइल आप लोगों ने पढ़ा है, हमने पढ़ा है सर एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा, ठीक है ना, ये फाइल हमने पढ़ा है, तो नेक्स्ट आंसर जाएगा टू, ठीक है। उसके बाद बेटा बात करते हैं मेटाजेनेसिस रिफर्स टू, मेटाजेनेसिस होता है बेटा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ सेक्सुअल टू एसेक्सुअल, एसेक्सुअल टू सेक्सुअल, ठीक है, मेटाजेनेसिस। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज पीकोथर्मिक, पीकोथर्मिक मतलब जो अपना टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं कर, मतलब कर बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, एग्जाम्पल जाता है वाइपर, मतलब कि स्नेक वगैरह, रेप्टाइल्स वगैरह जो होते हैं वो पीकोथर्मिक होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड अंडर डिवीजन, अंडर डिवीजन एग्नेथा, एग्नेथा के अंदर बेटा कौन सी फीस आती है, हैग फीस आती है, कौन सी आती है, हैग फीस आती है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है? देखो फोर्थ ऑप्शन देखो, बैट हैज फेदर। बेटा बैट के पास वो फेदर्स नहीं होते, बैट की तो स्किन ही जो है वो थोड़ी आगे की तरफ मॉडिफाइड हुई है, फेदर्स नहीं होते, ट्रू फेदर्स नहीं होते। एम्फीबियंस की जो स्किन है बेटा वो स्केल से कवर नहीं होती, उनकी बॉडी पे स्केल अब्सेंट होते हैं। रैट के पास बेटा क्लोइका नहीं होती, क्या होता है एनस होता है। ओर्निथोरकस लेज एग, ये सही है बेटा, ठीक है ना, एक ऐसा मैमल जो कि एग ले करता है ओर्निथोरकस। आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच, करेक्ट मैच हमने बताना है बेटा, करेक्ट मैच हम लोगों को बताना है, ठीक है। तो इसके अंदर बेटा आप लोगों को दे रखा है सी स्टार, ठीक है, कौन कौन से सी स्टार, सी स्टार, सी लिली, सी स्टार, सी लिली, सी अर्चिन और ब्रिटल स्टार। तो ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो सी, सी पेन, सी फैन, ठीक है ना, और आपके सी फर, ये तो सब आपके किस कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं, ये आपके करते हैं नाइडेरिया से, ठीक है ना। वहीं पे ही मैं आपको जो सी अर्चिन है, जो सी अर्चिन है वो आपका बिलोंग करता है सी माउस, ठीक है ना, सी माउस तो इसके अंदर नहीं है ऑप्शन में, सी आपको दे रखा है, जो सी अर्चिन है, जो सी अर्चिन है वो हमने पढ़ा था इकाइनोड्रमेटा के अंदर पढ़ा था, जिसके अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम था। तो जो सी अर्चिन है उसका साइंटिफिक नेम देखते हैं, सी अर्चिन का जो साइंटिफिक नेम है वो हमारा आता है आपका, सी अर्चिन का साइंटिफिक नेम आता है इकाइनस, ठीक है ना, और यहाँ पे दे रखा है उपनेरिया कुकुमेरिया, ठीक है ना, ये आपका गलत है, ठीक है ना, हमने पढ़ना है आपका करेक्टली मैच। ब्रिटल स्टार जो बेटा उसका करेक्टली मैच है यूफोरिया, ठीक है, तो ये आपका आंसर जाएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, जो बेटा अर्थफॉर्म होता है उसके अंदर नेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, अर्थफॉर्म जो होता है उसके अंदर बेसिकली क्या प्रेजेंट होता है, नेफ्रीडिया जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, एनिलिडा जो आपकी कैटेगरी है उसके अंदर अर्थफॉर्म आता है, और अर्थ उनकी जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो किसके थ्रू होता है, नेफ्रीडिया के थ्रू होता है। नेक्स्ट इज सेट ऑफ यूजफुल इंसेक्ट, यूजफुल इंसेक्ट में आपका सिल्क वर्म, लैक इंसेक्ट और हनीबी फोर्थ ऑप्शन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज एंड आई होप बेटा आप लोगों को जो एमसीक्यू है वो यूजफुल लगे होंगे, ठीक है। ओके थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।